सोहेल भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैडम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली। मिलके बोलो जय माता दी। दिवाली मेरा फेवरेट त्योहार है, सब बड़े प्यार से मनाते हैं। मैंने आज ये पटाखों की दुकान खोली क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी दुकान चल रही है, चलाओ, क्या नया क्यों करना जब ये चल रहा है। हर कोई बंदा दिवाली मनाता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। पता है परमीत और रचना में एक बार कंपटीशन हो रहा था कि किसका रॉकेट सबसे ऊपर जाता है। पहले परमीत ने रॉकेट चलाया 100 फीट ऊपर गया, फिर अर्चना रॉकेट चला 2000 फीट ऊपर। परमीत कहता ये कैसे, कहती आग मत लगाओ, ऐसे हाथ से फेंको। अरे का अपना स्टाइल होता है, जैसे मेरा भाई नहीं पिंकू, इसका अपना स्टाइल है। ये लोगों के दिए चुरा के ना तेल पीता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, मैं तेल पी रहा है। कहता भाजी तेल ठीक रहता है, बत्ती गले में फंस जाती है। अब मेरी दुकान में कोई कस्टमर आ जाए सही, दुकान तो लग गई है भाई। हेलो, हैप्पी दिवाली। दिवाली तो होगी, हैप्पी कहाँ हुए भाई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी डेट। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? या एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद इंडिया आई हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली में क्या क्या करते हैं। बाहर से आए आप? क्या देखिए आप बाहर से हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये बताइए बाहर जा कर रही हैं? ओए, जब हम यहाँ पे एक्ट करते हैं ना तो जितना वो तुझे देखते हैं ना मुझे भी देखते हैं। क्यों? देखो जब बर्फी फिल्म आई थी ना, लोग रणबीर कपूर को देखने गए थे, तो बीच में अगर शमोना का एक सीन आ गया तो लोग उठ के थोड़ी चले जाए, देखना पड़ता है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप बर्फी छोड़िए, आप मुझे कोई, ओह माय गॉड, आपको शर्म नहीं आती है? किस चीज की? सरेआम नकली मिठाइयों की दुकान, शर्म नहीं आती आपको? पढ़ के तो अच्छा बोल, नकली मिठाइयों की असली दुकान। ये देखो मैडम मेरी बात सुनो, आप बताइए आपको क्या चाहिए? Give me some nice special मिठाई that you have. Special मिठाई मैं आपको बताऊं, हमारे पास जैन बर्फी है। जैन बर्फी? ये जैन बर्फी है। ओह, व्हाट इज जैन बर्फी? ये हम लोग जनवरी में बना लेते हैं, अक्टूबर में बेचते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जैन बर्फी। और ये सब देख रही हैं आप, ये जैन रसगुल्ला। नो 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 नो, जैन गुलाब जामुन है ये, इसके बड़े फायदे 3 in 1 है। हाँ, ये भी जनवरी में बनाया था हमने, इसके बड़े फायदे। इसको आप खाना चाहे तो खा भी सकती हैं, इससे आप स्नूकर खेलना चाहे स्नूकर खेल सकती हैं। नहीं तो आप इसको अपनी कपड़ों वाली अलमारी में भी रख सकती हैं। क्यों? उससे आपके कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। वो कैसे? क्योंकि सारे कीड़े इसको लग जाएंगे ना। समझ में नहीं आता आपको? मुझे आपसे कोई मिठाई विठाई नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, आप मुझे दिए दे दीजिए। दिए? दिए मतलब दिए लोग चुरा के ले जाते हैं, मैंने बताया ना आपको। ये मेरा भाई पिंकू दिए चुरा लेता है लोगों के। एक बार ये दिया चुराने के लिए दिए की तरफ बढ़ रहा था, हाँ? एकदम दिया इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये घबरा गया, पास में आकर जब दिए ने आवाज निकाली ना, तब ये डरा। पता ट्रेन थी, दूर से दिया लग रहा था। तुम भी उसके छोटे भाई लगते हो और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं तेरे को बता रहा हूँ। क्या करोगे? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तेरे पे किस आ रही है। What? देखो तुम ये सब नहीं कर सकते। क्यों? I'm married, मेरा एक बच्चा है। क्या? Yeah. बच्चा है तुम्हारा? हाँ। मम्मी। ओह, तो इस बच्चे से मैरिड हो तुम? ओए, ये मेरा बच्चा है। ये कैसा बच्चा? 2 मूछें रखी हुई आंखों पे, एक कटवा के आ गया। इतने बाल, तेरी टांगों पे बाल है कि तेरे बालों पे टांगे आई है बे? ये कैसा बच्चा तेरा? मैं तो तलाक दे इसको, दफा कर, नए पटाखे फोड़ेंगे। Shut up! तुम मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। क्या करूं? एक काम करो, उसे दिवाली के लिए कोई अच्छी सी फुलझड़ी दो, है ना बेटा? फुलझड़ी दूं? हाँ। ये ले लो कुल्फी। फुलझड़ी मांगी है। पहले पूरी बात तो सुन लो, हाईटेक जमाना। ये कुल्फी ना, इसको आप जब चूसेंगी नीचे से फुलझड़ी निकलती है। What nonsense! तो फिर ये फुलझड़ी ले लो, इसको जब चूसोगी नीचे से कुल्फी निकलेगी। तुम बेवकूफ हो, ये उससे भी बड़ा नॉनसेंस है। तो पहले वाला ठीक लगा ना, तो वो ले लो फिर। अंकल आपके पास अनार वाला बम है? अनार बम नहीं है मेरे पास, दही है, दही ले लो। दही? दही का क्या करेंगे? मैंने अनार बम भी चख के देखा, दोनों खट्टे होते हैं, ले लो आप। Are you crazy? तुम पागल हो। क्या पागल? क्या मतलब? पटाखे कौन खाता है? पटाखे क्यों? इको फ्रेंडली पटाखे आ गए, आप खा सकते हो, चला सकते हो, मुंह के अंदर कुछ नहीं होता। आप पटाखे खा, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, और फूड पॉइजनिंग हो गई तो? फूड पॉइजनिंग कैसे होगी जब फूड खाया नहीं तो? हमको खाने लिए बजाने। मेरी बात सुनो बेटा, ये जो पटाखे होते हैं ना, आप इनको खा लो, ऊपर से एक पैकेट इनो का पियो। तड़ा तड़ 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 लाइन सर पटाखे नहीं बजे। मेरा नाम टिंकू पटाखे वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, खा के देखो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे कोई एक्टर छाप पटाखा दो। एक्टर छाप पटाखे कौन से होते? झूठ बोल रही। देखो ये हर साल चलाते हो, अरे तुम्हें चला के दिखा भी सकता है। करके दिखाओ कौन से एक्टर छाप पटाखे होते हैं। नाना बाजीगर पटाखा। ये धपाक, ये धपाक, ये धड़, ये धड़, ये धम 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 धम, ये धपाक। सैफ अली खान रॉकेट। वाह बम। प्राण की Ladi, my favorite. Pran ki ladi. हाँ. अच्छा. Pat. देखो जैसे तुम्हारा बेटा ये सब करता है ना एक्ट्रेस पटा के वैसे मैं भी हाथ देख लेता हूँ. Surely. Yeah. आप मेरा हाथ देख के मेरे बेटे का फ्यूचर बताइए. बताता मैं. ओह तुम्हारा एक और तुम्हारे बेटे के मैक्सिमम 2 एक्टर. इसके तुम लोग अपने अपने घर. अब बहुत हुआ. चलो बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं हमें इनसे कुछ नहीं लेना है. मम्मी मिठाई मिठाई खाना है. तुम्हारा दिमाग खराब है कितना गंदा है देखो हर जगह मक्खी उड़ाओ इन्हें. कौन सी मक्खी कहाँ मक्खी? मक्खी आई तो मक्खियाँ यहाँ पे. ये मक्खी नहीं है. क्या है? ये छोटी इलायची है हरी वाली. अच्छा इलायची के पर होते हैं? नहीं होते तोड़ देता हूँ. देखो मेरी बात सुनो लोग मिठाई में हरी इलायची डालते हैं हम डालते नहीं. हम लोग जो पैक करके देते ना मिर्वी तो खुद ब खुद देख लेती है उड़ के चली जाती पीछे. इसके बड़े फायदे होते हैं. Oh my God, मेरे बेटे को कुछ हो गया. कोई डॉक्टर को बुलाओ. चुप रहो किसी की जान जा रही ताले बजा रहे पागल. एक मिनट आप डॉक्टर भी हैं? एक तो इसको लगा के सुनता कुछ नहीं है. आप डॉक्टर भी हैं? हाँ मैं डॉक्टर हूँ. मेरे को किसी ने लाइसेंस नहीं दिया. मैंने कहा बीमार तो मेरी दुकान से ज्यादा लोग होते हैं तो इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ. चेक कराओ. देखो मेरी बेटी ने तुम्हारी दुकान से गंदा सामान खाया है. मुझे बिना बताए खाली चोर खा ले. पैसे तेरी माँ जाएगी मैं मारूंगा तेरे. 2 मिनट खड़े रहो. 1 मिनट चेक करने दो मेरे को. चेक करने दो. मेरी दुकान का माल खा के कभी बीमार हो नहीं सकता. 2 मिनट में चेक करने दो. वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा. मेरी दुकान से कोई बीमार नहीं हुआ. 1-2 डेथ केस जरूर आए लेकिन देखो. ए, इसको चाट बता मेरे को. ये तुम क्या करा रहे हो इससे? इससे मेरी दुकान से इसने कुछ नहीं खाया बेटा. क्या खाया था? वो पीले कलर का और चॉकलेटी कलर का वो था खजूर. तूने वो खा लिया? अबे वो खजूर नहीं था. वो खजूर तो मैंने रखे ही नहीं है. वो तो मैंने कॉकरोच रखा था मक्खियों से बचाने के लिए. ओह माय गॉड मेरा बॉडीगार्ड खा गया. मैं कहाँ से लाऊंगा बॉडीगार्ड? क्या करूँ मैं? देखो अब बहुत हो गया. मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करी. ओके पुलिस में कंप्लेंट कर. ऐसे बच्चे से आदमी बेल आती. अच्छा शट अप. हेलो पुलिस स्टेशन. हेलो पुलिस. देखिए यहाँ पर एक नकली मिठाई की दुकान है. मेरे बेटे ने वहाँ से गंदी मिठाई खाई है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई. आप अभी के अभी यहाँ आइए. अच्छा बात करो मेरी उस मिठाई वाले से. Yeah, okay, just one sec. ओए मिठाई वाले क्या बात कर. तेरे को दिल्ली में फोन पे बात कर रहा हूँ. हेलो I'm sorry वो फोन पे है. आप प्लीज होल्ड करेंगे? Okay. क्या होल्ड? तुम भी होल्ड पे? हाँ तब तक लाओ. किससे बात करा रही थी? मेरी पुलिस वाले से. लाओ तुम इससे करो तब तक. हेलो क्या है? कौन बोल रहा है? तेरे को नहीं पता. तो तुम मिठाई वाले भी हो, डॉक्टर भी हो और पुलिस वाले भी हो. Oh my God, इस इंडिया का पूरा सिस्टम ही खराब है. अच्छा तुम जहाँ रहती मलाड में 25 रुपए की फीस लगा के आई अपने आप को फॉरेनर समझ रही हो. बहुत हो गया. ओके टू मच. आई एम गोइंग टू सी यू इन कोर्ट. मैं तुम्हें अब कोर्ट में देखूंगी. तू कोर्ट में पता नहीं कब देखेगी. मैं तो तेरे को स्कर्ट में देख रहा हूँ. मैं उस वाले कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ. किस कोर्ट की बात कर रही तू? उस कोर्ट के जहाँ पे फैसले सुनाए जाते हैं. फैसले सुनाए जाते हैं. तो सुन लो उनसे फैसला वो क्या कर रहे हैं. मैंने कोई रोका थोड़ी आपको. इधर